कैबिनेट आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी देगी। इसमें विधायकों को लैपटॉप देने, मुख्यमंत्री सचिवालय में अशासकीय व्यक्तियों की पदस्थापना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव भी शामिल हैं। वाणिज्यिक कर विभाग आबकारी व्यवस्था के संशोधन का प्रस्ताव ला रहा है और इसमें प्रदेश में बाहर लाइसेंस के नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव है। कृषि विभाग की ओर से छिंदवाड़ा में हॉर्टिकल्चर कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में शामिल है। तो कमलनाथ कैबिनेट में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसमें विधायकों को लैपटॉप देने, मुख्यमंत्री सचिवालय में अशासकीय व्यक्तियों की पदस्थापना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति, तमाम चीजें शामिल हैं। संजय डोगर दिवे फोन लाइन पर जुड़ गए सहयोगी। संजय, आज कैबिनेट की बैठक है, क्या एजेंडा? बिल्कुल, कुछ बात कर लेते हैं। आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर बात आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो अहम फैसला था वो था आबकारी नीति को लेकर। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, अभी तक जब तक कैबिनेट के फैसला बाहर नहीं आया था, तब तक सूत्र का यही कहना है कि कैबिनेट जिस प्रकार से अगर बात कर ली जाए कि आबकारी नीति को लेकर कहीं ना कहीं रोक लगती हुई दिख रही है इस कैबिनेट बैठक में, कि आबकारी नीति अभी पास नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार से पहले की तरफ चली आ रही थी उसी प्रकार की ये नीति चलाएंगे, लेकिन अभी एक चीज निकल के दी है कि अगर तक आप ब्रीफिंग नहीं है अभी तक इसके सूत्रों पर हवाले से थोड़ा बता सकते हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो अभी इस प्रकार सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है और विपक्ष भी इसको लेकर बैठा हुआ है कि विधायकों को जो लैपटॉप और मोबाइल देने की बात आ रही थी उसको लेकर भी इस कैबिनेट में बड़ा फैसला होने वाला है कि विधायकों की स्थिति, जबकि अगर देख लिया जाए तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं है या आर्थिक स्थिति के ऊपर भी अगर पड़ता है तो एक बड़ा नुकसान प्रदेश को उठाना पड़ेगा इसको लेकर। बिल्कुल संजय, मेरा सवाल भी यही था कि अतिरिक्त भार प्रदेश की जनता पर डालने की क्या जरूरत है, क्योंकि आप तमाम जितने विधायक हैं उनके लिए अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं, तमाम चीजें करते हैं, तो 50 से 60 हजार का खर्चा प्रति लैपटॉप पर आता है। अगर आप वेल मेंटेन और वेल कंपनी का अगर लैपटॉप लेते हैं तो फिर इतना करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या है? उसको किसी दूसरी, उस मद का इस्तेमाल किसी दूसरी चीज में क्यों नहीं लगा देते, जनहितकारी किसी योजना में? बिल्कुल, यही चीजें निकल के आ रही है कि अभी अगर इसको लागू कर दिया जाता है और कैबिनेट में अगर ये बात पास हो जाती है कि विधायकों को लैपटॉप और मोबाइल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में फिर डगमगाहट देखने को मिल जाएगी। अभी इसके फैसला होना बाकी है, अभी ब्रीफिंग हो जाए, बैठक खत्म हो गई है, लेकिन ब्रीफिंग के बाद ही निकल के आएगा कि इसमें क्या डिसीजन क्या हुआ है, तभी डिसीजन के ऊपर विचार कर रहे हैं कि क्या निकल के आता है ये तभी बता पाएंगे। और बात कर ली जाए तो अभी जिस प्रकार से अगर इस बैठक में जो निर्णय पास हुआ है, जिस छिंदवाड़ा में उद्यमिका महाविद्यालय की स्थापना को लेकर इसमें निर्णय पास हुआ है कि वहां पे विद्यालय की शुरुआत की जाएगी और वहां पे जिस प्रकार से मॉडल बनाने की बात आ रही है छिंदवाड़ा को, उस मॉडल के तहत इस कॉलेज वहां पर महाविद्यालय की स्थापना कर दी जाएगी। और वहीं से बात कर ली जाए कि अभी जिस प्रकार अगर रोडों को लेकर भी मध्य प्रदेश की रोडों की हालत देखते हुए भी अभी इस कैबिनेट के बैठक में बात आ रही है कि इस जो रोडों को लेकर भी इसका अच्छा खासा बजट निकालने की बात निकल के सामने आई है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।